फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो कि आपको ट्रेड लेने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई ट्रेड बनानी है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको हमेशा प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट मिले, हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की तरफ आप बढ़ते रहें। तो आज मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा जो कि आप हमेशा बना करके रखें उस चेकलिस्ट को, जिसको अगर वो सारी टिक आपकी चेकलिस्ट नहीं हो रही हैं, अगर उन चेकलिस्ट में कुछ इश्यू है, अगर आपकी सारी चेकलिस्ट में से कोई सी भी चेकलिस्ट ऐसी रह जाती है जो कि आपकी डन नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उस ट्रेड को मत कीजिएगा, आप उस ट्रेड को मत लीजिएगा। आपको जरूर ध्यान रखना है कि वो चेकलिस्ट क्या है, और अगर हम ट्रेड बना रहे हैं तो हमें ट्रेड को बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 थिंग्स टू चेक बिफोर सेइंग यस टू एनी ट्रेड। उससे पहले, सबसे पहले मैं आपका अपने YouTube चैनल IBBM इंडिया में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप हमारे बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट ibbm.co.in विजिट कर सकते हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कौन सी वो 10 चीजें हैं जो मुझे चेक करनी चाहिए। आज आप एक कॉपी पेन लेके देखिएगा। हम लोग स्ट्रैटजीज के पीछे भागते हैं, एवरी टाइम वी कीप ऑन रनिंग बिहाइंड स्ट्रैटजीज, कि हम लोग कुछ स्ट्रैटजीज के पीछे जा सकें, कुछ ऐसी चीजें सीख सकें कि हमें कंसिस्टेंट मनी जनरेट हो। बट हम कभी भी उस चीज पर ध्यान नहीं देते जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बोलता हूं, और वो कंसेप्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है अगर हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, आपने कई बार सुना होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत ध्यान में रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखिए। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या रियल में, उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी ट्रेड बनाते हैं, कोई भी ट्रेड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस पुट ऑप्शन 34,800 पुट ऑप्शन, सपोज आप इसको सेल करना चाहते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्ट्रैटजी, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको 10 बातें हमेशा प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए, अगर आपने इसको 120 का रेट चल रहा है, अगर आपने इसको 120 रुपी पर सेल किया है, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है स्ट्रेट में, ऑब्वियसली वो 120 रुपी है, क्योंकि आपने 120 पर सेल किया है। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेगी, ये बहुत लोग करते हैं जिससे उनको बड़ा लॉस होता है, किसी भी पोजीशन में इस पुट का जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस, जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता है वो 240 हो सकता है, उससे बड़ा इस पुट का स्टॉप लॉस हम लोगों को होल्ड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर, आप हमेशा ध्यान दें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज ट्रू इन ऑप्शन बाय ऑल्सो। देखिए, ऑप्शन बाय में कई लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़े बड़े बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केट, आप बुलिश ट्रेड बना रहे हैं, मान लीजिए भाई क्या 100 रुपये, तो लोग उसको 500 सोचते हैं, क्यों, हमने थ्योरी में पढ़ा होता है कि 500 600 रुपये तक 700 तक वो कहीं भी जा सकती है। बट द रियलिटी इज कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रियलिटी की बात करेंगे, अगर आप थ्योरी को हटा करके प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि
100 रुपये की चीज़ 200-250 रुपये जाती है और फिर जीरो की तरफ चली जाती है, लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन करें, ऐसा भी नहीं है कि आप 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाइप की ट्रेड्स बनाएं, उस केस में आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट्स आकर के भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। और अगर आप ऐसी ट्रेड्स बनाते हैं जिसमें ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो भी आप उसको 240 से ऊपर ना जाने दें। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी करेंसीज क्रिप्टो ऑप्शंस कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करें। और जो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 1:1.5। देखिए 1:5, 1:6 तरीके की ट्रेड्स बनाना, अब वो दिन चले गए हैं और वो पहले कभी हिस्ट्री में हुआ करता था। अब अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो 1:1.5 की ट्रेड अगर आप 60-70% की एक्यूरेसी से कंसिस्टेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कैसे वो ट्रेड्स बनाएं वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ आने वाले समय में शेयर करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए, मतलब अगर जाने के लिए किसी ट्रेड में 1 रुपये, आने के लिए 1.5, जाने के लिए 100 रुपये, आने के लिए 150 रुपये, इस तरीके के ट्रेड्स आप जनरेट करें। दूसरा, स्टॉप लॉस का साइज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेकेंड स्टेप जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस का साइज। स्टॉप लॉस के साइज को समझना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम स्टॉप लॉस के साइज के कंसेप्ट को समझें। स्टॉप लॉस का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये पर सेल किया, आपने 100 रुपये पर कोई प्रोडक्ट सेल किया और वो 100 रुपये पर जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है, लेट्स से आपने उसका स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड बना करके 200 का आपने उसका स्टॉप लॉस बनाया। अब देखिए बाजार ने तो केवल 100 पॉइंट का लॉस दिया और लेट्स से आपने यहां पर 1000 क्वांटिटी हिट की बैंक निफ्टी की, 1000 क्वांटिटी। अब क्या हुआ, बाजार आपको कभी बड़े लॉस नहीं देता। मैं बहुत बार सुनता हूं, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर बाजार ने बड़ा लॉस दिया। देखिए बाजार का भी बड़ा लॉस नहीं दे दिया, अगर आपने 100 रुपये पर कोई प्रोडक्ट सेल किया है और उसको 200 रुपये में स्टॉप लॉस रखा है तो बड़ा लॉस कैसे आ सकता है आपको, आपने उसकी हेजिंग भी की हुई है ओवरनाइट के लिए, बड़ा लॉस कैसे आ सकता है। बड़ा लॉस आप हमेशा वॉल्यूम की हेल्प से लेते हैं, वॉल्यूम इज द बिगेस्ट एनिमी, वॉल्यूम आपको बड़े लॉस देता है, वॉल्यूम इज द की, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही ऐसी चीज है जो आपको बड़े लॉस देता है। तो मेरा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमेशा आपसे वो रहेगा कि आप वॉल्यूम हमेशा ऐसा माने कि क्या आप उस स्टॉप लॉस को लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप उस स्टॉप लॉस के लिए मेंटली रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बाजार के हिसाब से तो सिर्फ 100 रुपये का लॉस है, आपने 100 रुपये पर कोई प्रोडक्ट बेचा और 200 रुपये पर उसका स्टॉप लॉस ले लिया, बाई कर लिया, आपने 1000 क्वांटिटी मारी, इस केस में देखेंगे तो आपको 1 लाख का लॉस हो गया। फिर लोग बोलते हैं सर मुझे बाजार ने बड़ा लॉस दिया, बाजार ने केवल 100 पॉइंट का लॉस दिया, अगर आप 25 की क्वांटिटी मारते तो बाजार के हिसाब से ये लॉस 2500 रुपये का भी हो सकता था। तो हमेशा आप इस चीज का ध्यान दें, स्टॉप लॉस का साइज, स्टॉप लॉस का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है जानिए। अगर आपका स्टॉप लॉस आ भी जाता, देखिए जब आप ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली आपके स्टॉप लॉसेस भी आएंगे और आपके टारगेट्स भी आएंगे। अगर आपके स्टॉप लॉस आ रहे हैं तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके स्टॉप लॉस का साइज ऐसा हो कि आपको फर्क ना पड़े। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको स्टॉप लॉस के साइज का फर्क नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेटली आप प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप 1:1.5 की ट्रेड्स सिर्फ 50% एक्यूरेसी से भी बनाते हैं, बिलीव मी गाइस ओनली 50% एक्यूरेसी। तो देखिए एक छोटा सा मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और आपकी एक्यूरेसी केवल 50% है, मतलब आपने 50 ट्रेड्स करेक्ट बनाए और 50 ट्रेड्स रॉन्ग बनाए, कुछ ट्रेड्स राइट बना, मान लीजिए ये वाला ट्रेड्स आपका रॉन्ग बन जाता है, फिर राइट बन जाता है, फिर राइट बन जाता है, फिर रॉन्ग बन जाता है, फिर रॉन्ग बन जाता है, हो सकता है। देखिए मार्केट है, मार्केट में हमें इस तरीके के फिनोमिना देखने के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने अकाउंट को एक डिसिप्लिन के साथ देखेंगे,
तो आप अपने अकाउंट को एक प्रॉफिट में पाएंगे। अब आप देखिएगा, बहुत लोग स्ट्रैटजी के पीछे भागते हैं, स्ट्रैटजी की बात करते हैं कि आप हमें स्ट्रैटजी बता दीजिए सर, स्ट्रैटजी सिखा दीजिए। स्ट्रैटजी के इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हमें उसके पीछे का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है। अब देखिए, मान लीजिए राइट ट्रेड में आपको 1500 रुपये आते हैं और रॉन्ग ट्रेड में आपको 1000 रुपये जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 10 ट्रेड करता हूँ जिसमें 50% मेरी केवल एक्यूरेसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल 50% एक्यूरेसी अगर मेरी है, जिसमें से 5 ट्रेड अगर मैं सही करूँ और 5 ट्रेड अगर मैं गलत करूं, और ऑप्शन सेल की हेल्प से बहुत आसानी से आपको ऐसी ट्रेड्स मिलती रहती हैं, तो मैं रॉन्ग ट्रेड में केवल 1000 पॉइंट लूज कर रहा हूं और राइट ट्रेड में मैं 1500 पॉइंट, सिर्फ 1:1.5 के हिसाब से मैं ट्रेड बना रहा हूं। मतलब 5 बार मैं सही हूं और 5 बार मैं गलत हूं। अगर हम ऐसा भी करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 ट्रेड कॉन्टिन्यूस करने के बाद आपको एक प्रॉफिट की फिगर देखने के लिए मिलेगी। द मार्केट टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंसी, मार्केट टॉक्स अबाउट दिस कंसेप्ट कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में काम कर पा रहे हैं। एक डिसिप्लिन, आ क्या आपने एक पोजीशन साइज को लगातार मेंटेन किया हुआ है, क्या आपने एक कंसेप्ट को लगातार मेंटेन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे, हमें लगा यहाँ टारगेट है, यहाँ स्टॉप लॉस है, लेकिन ओवरऑल 10 ट्रेड्स के बाद आपको 2500 का प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं हर ट्रेड को 2500 रुपी को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हर ट्रेड में मुझे 250 रुपी का प्रॉफिट जनरेट हुआ, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दिस इज द साइकोलॉजी टू लुक एट द मार्केट। मार्केट को देखने का ये तरीका है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट्स की तरफ रहेंगे। तो स्टॉप लॉस के साइज पर हमेशा ध्यान दें। अगर स्टॉप लॉस आपको आते हैं और आपके स्टॉप लॉस का साइज अगर बड़ा हो जाता है, तो आप कभी भी ट्रेड नहीं बना पाएंगे, आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस का साइज आपका इतना बड़ा हो गया है कि अब आपको डर लगता है कि यार अगली ट्रेड में कहीं स्टॉप लॉस ना आ जाए। और आप कई बार देखते होंगे कि अगली ट्रेड में टारगेट आ जाता है और आप उस ट्रेड में कभी होते ही नहीं, क्योंकि आप डर चुके हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को हमेशा ये माइंड में रखें कि अगर लगातार 10 स्टॉप लॉस, 10 स्टॉप लॉस इन ए रो आ जाते हैं, तो क्या मैं स्टॉप लॉस लूंगा, क्या मैं 11 ट्रेड करूंगा। एंड इफ आंसर इज यस, हाँ मैं 11 ट्रेड भी करूंगा उसी डिसिप्लिन और कंसेप्ट के साथ, तो ऑब्वियसली यू विल मेन प्रॉफिट। तो और वो आप कब करेंगे, अब मान लीजिए आपको एक ट्रेड में 1 लाख रुपए का लॉस होता है और उसके बाद आपको लगातार 5 स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, आपको 5 लाख का लॉस हुआ, अब आप 6 ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड चीज, पोजीशन साइज। पोजीशन साइज जो मैंने अभी बोला कि पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका थर्ड कंसेप्ट है, वो आपका जो पोजीशन साइज है वो आपके स्टॉप लॉस को डिसाइड करता है। मान लीजिए आपने यहां पर 1 लॉट हिट किया तो आपको 2500 का लॉस तो लगेगा, आपने 20 लॉट हिट किए तो आपको उस हिसाब से लॉस लगेगा, आपने 1000 क्वांटिटी हिट की तो 1 लाख का लॉस लगेगा। तो पोजीशन साइज को जरूर टिक करके चेक कीजिए कि जो मैं पोजीशन साइज हिट करने वाला हूं, एक एक करके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एक एक्सेल बना करके आज अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा लीजिएगा पूरा वीडियो एंड तक देख करके। एंड बिलीव मी गाइस, यू विल नेवर एवर बी इन द लॉस इन स्टॉक मार्केट। देखिए मैं कई बार सरप्राइज हो जाता हूं जब बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि बाजार में उन्हें बड़ा लॉस हुआ, और ये सवाल मैं अपने आप से कई बार पूछता हूं कि बाजार में बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। लॉस तो आपके हाथ में है ना, वॉल्यूम हिट करना तो आपके हाथ में, आप बड़ा वॉल्यूम हिट ना करें, आप अपना स्टॉप लॉस खुद डिसाइड कर सकते हैं। बाजार कभी बड़ा लॉस नहीं देता, हम बड़ा लॉस अपने आप को खुद देते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि हमेशा आप इस चीज पर
ध्यान दें, हमेशा इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें कि हमें कभी भी बड़े लॉस कब होंगे, पोजीशन साइज की भविष्य से हमें बड़े लॉस होंगे, तो उन चीज पर हम हमेशा ध्यान रखें। तो पहली चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दूसरी चीज है स्टॉप लॉस साइज, तीसरी चीज है पोजीशन साइज। देखिए चौथी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम लॉस। मैंने जो भी ट्रेड हम बनाए उसका हमारा मैक्सिमम लॉस, उसमें मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है ये हमारा डिसाइड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरा उस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस क्या पॉसिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैक्सिमम लॉस, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस पॉसिबल इन माय ट्रेड। स्टॉप लॉस ठीक है, इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आप ट्रेड बना रहे हैं अगर ऑप्शन सेल करके बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरी यूएसपीएम में मैक्सिमम टर्म वही करता हूं, तो अगर आप ऑप्शन सेल करके ट्रेड बना रहे हैं तो इस चीज पर आप जरूर ध्यान दें कि मैक्सिमम लॉट डिसाइडेड हो, और वो कब होगा, जब आप हमेशा अपनी हेजिंग रखेंगे। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस कई बार जंप कर सकता है आपका, स्टॉप लॉस जंप करके जा सकता है, स्टॉप लॉस ओवरनाइट में जंप कर सकता है, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिल जाए तो हो सकता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं मेनली, या कुछ भी फ्यूचर खरीद रहे हैं, कोई भी ट्रेड बना रहे हैं, तो मैक्सिमम लॉस डिसाइड होना चाहिए, उसके लिए हमेशा हेजिंग रखें और उसमें आपको मार्जिन का भी एडवांटेज मिलेगा। फिफ्थ चीज स्टॉप लॉस जंप, क्या मेरा स्टॉप लॉस जंप कर सकता है, क्या बाजार ओवरनाइट, क्या बाजार ओवरनाइट कुछ ऐसा कर सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस जंप कर जाए। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जंप ना करे, उसके लिए ऑब्वियसली हमेशा एक हेजिंग आप जरूर रखें, चाहे छोटी हेजिंग रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटी हेजिंग रखें, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस के साथ साथ एक ट्रेड में हेजिंग भी रखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेम कॉल्ड स्प्रेड। स्प्रेड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है और बाद में हम ट्रेड्स में फंस जाते हैं। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा लाइव स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, इधर की तरफ चलते हैं, स्प्रेड मैं आपको खोज के दिखाता हूँ कि स्प्रेड किस तरीके से हमें परेशान करता है। लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस की एक बात कर लेते हैं, फेवरेट शेयर है, काफी लोग रिलायंस पर ट्रेड करते हैं, तो रिलायंस से ही मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। देखिए रिलायंस का आप देख रहे हैं 2385 का प्राइस है। अब मान लीजिए मुझे इसका पुट ऑप्शन सेल करना है, लेट्स टेक एग्जांपल, रिलायंस का मुझे पुट ऑप्शन सेल करना है, तो मैंने पुट ऑप्शन लगाया और मान लीजिए मैं नेक्स्ट मंथ में जाना चाहता हूँ क्योंकि करंट मंथ की एक्सपायरी नियर है, तो लेट्स से हम अगर ये एक्स लगाते हैं तो कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, स्प्रेड हमें किस तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है और किस तरीके की समस्या हमें स्प्रेड में देखने के लिए मिलती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हैव अ लुक हियर, अब आप ये देखिए, देखिए ये इन द मनी ऑप्शन है, हालांकि अब आप स्प्रेड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए। देखिए इस पुट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 117 पर बायर है और 126 पर सेलर है, 126 पर यहाँ पर सेलर खड़ा है अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 140, 116 पर बायर है, 140 पर सेलर है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। अब देखिए अगर आप पुट ऑप्शन को ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना टफ होगा इसको ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो स्प्रेड का हमेशा ध्यान रखें, स्प्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्प्रेड। तो स्प्रेड का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं वो लिक्विड होना चाहिए और उसमें कुछ स्प्रेड्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज और इवेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली आरबीएल में भी आपको देखने के लिए मिला 15-17% का एक मूवमेंट देखने के लिए मिला, जिसमें आप पता चला कि झुंझुनवाला जी और दमानी जी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो तेजी से शेयर नीचे चला गया। तो हम जिस भी प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, शेयर्स हैं, हमें उसकी स्टडी पूरी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या अगले 2-4-5-7 दिन में इसमें किसी तरीके का इवेंट तो नहीं है। अच्छा कई लोग सोचते हैं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी,
उसमें इवेंट है क्या? तो कई लोग सोचते हैं कुछ आरबीआई पॉलिसी है क्या, कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन कई बार हमें हिडन भी ये चीज़ देखनी होगी। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी किससे मिलकर बना है? मेनली HDFC बैंक से मिलकर बना है, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, इन सबसे मिलकर बैंक निफ्टी बना है। अब अगर HDFC बैंक में कोई न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली वो बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तो क्या कोई मेजर शेयर, अगर कोई मेजर स्टॉक है या कोई मेजर शेयर है, तो क्या उसमें कोई इवेंट या न्यूज़ तो नहीं है? और अगर ऐसा है, तो आप अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से हेजिंग करके और ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके आप ट्रेड बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज हो लेगा। सो ये छोटी छोटी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अगर आपकी ये लिस्ट में है, तो आपको बहुत ज़्यादा इनका एडवांटेज मिलेगा। अगला आता है ओवरनाइट। ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन। देखिए, जब भी आप ट्रेड बना रहे हैं, चाहे छोटा फंड है बड़ा फंड है, मार्केट में जो स्टॉप लॉस होता है वो गुड टिल डे GTT ऑर्डर नहीं लगता है हमारे बाजार में। तो उसमें आप जब भी ट्रेड बना रहे हैं, तो गैप अप गैप डाउन के रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे डीमोनेटाइजेशन होता है, कुछ इंडिया पाक वॉर होता है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कोई भी ऐसी न्यूज जो ओवरनाइट में बाजार में बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, जिसको ब्लैक स्वान इवेंट्स के नाम से भी कई बार जाना जाता है। हमेशा, इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा हेजिंग करके चलें और गैप अप गैप डाउन के रिस्क को भी दिमाग में रखें। अपने आप से ऐसे सवाल पूछें कि अगर ये गैप अप खुलता है तो क्या, गैप डाउन खुलता है तो क्या, ऑल दीज स्टफ्स। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बनाई, उसको एक ट्रेड को बनाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। आपने वो ट्रेड बनाई, आपको उसमें लेस से 1,000 रुपये का लॉस हुआ। अब वो आपको फिर से ट्रेड बनानी है, अगली ट्रेड। अब आपके अकाउंट में रह गए 99,000। अब आप अगली ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, आपके लॉसेस का कारण बनती हैं। इन 10 पॉइंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे ट्रेड बनाते हुए, तो आपको कभी भी बाजार में लॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप हमेशा एक कंसिस्टेंट लेवल के साथ काम करेंगे, तो आप एक अच्छे प्रॉफिट्स की तरफ बने रहेंगे। तो मैं एक एक करके फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस का साइज, स्टॉप लॉस का साइज आपको इस हिसाब से लेना है कि आपको वो चीज़ मेंटेन रहे। अगला है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़े लॉसेज ना खाने पाए। हाँ, आप मुझसे ये कह सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। देखिए, बड़ा प्रॉफिट बड़े फंड पर होगा। छोटे फंड पर अगर आप बड़ा कमाने की कोशिश करेंगे, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मार्केट में एक, अगर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के काम करेंगे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1-2 लाख रुपए लगा करके बाजार से 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, आप गलत सोच प्रोसेस पर हैं। ऐसा मत सोचिए, आपको उस कंडीशन में आप लॉस की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम लॉस आपका हमेशा डिसाइड होना चाहिए, जैसा मैंने बोला। स्टॉप लॉस जंप ना होने पाए, उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तो स्टॉप लॉस कभी भी आपका जंप ना करने पाए, उसके लिए आप लगातार हेजिंग को बना करके रखिएगा। सो ये हैं वो मेन 5 पॉइंट जो मैंने आपको दिए। और अब मैं देने वाला हूँ वो अगले 5 पॉइंट आपको रिपीटेशन में। पहला, जो कि मैंने आपको बताया, स्प्रेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्प्रेड में, लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि अब वो क्या करें। ट्रेड में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं और स्प्रेड की वजह से वो लॉस खाते हैं। सातवां, न्यूज़ इवेंट्स। लाइन स्टॉक न्यूज़ में तो कोई न्यूज़ नहीं है, चेक कीजिए। ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन के रिस्क को चेक कीजिए, और मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी चेक कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि मार्केट में एक ट्रेड बनाने से पहले आप किन किन 10 बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको कभी भी लॉस की तरफ ना जाना पड़े। आने वाले समय में इस तरीके के वीडियोज आपको हमारी तरफ से मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा कलीग्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज रहे, एक ज्ञान मिलता रहे, जो कि वर्षों के अनुभव के साथ हम आपको देते हैं। सो फ्रेंड्स,
जाने से पहले यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एक ट्रेड लेने से पहले वो किन किन बातों का ध्यान रखें। आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियोज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज कौर। थैंक यू।